दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो है आज से हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। जिस प्रकार हम जो है एनडीए 2019 में जो है जो नेवी एग्जाम फरवरी होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, डेली जो है वीडियो डाल रहे हैं। उस पर देख रहा मैंने बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर एसएससी के लिए भी लेकर आइए, तो आज से पर डे जिस हिसाब से जो है हम नेवी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं उसी प्रकार से हम डेली अब आपके लिए हर चैप्टर से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए उनके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन हमने लिया जो है वर्क एंड टाइम से। वर्क एंड टाइम में पहला क्वेश्चन है, ए कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 30 दिन, 27 दिन, 20 दिन और 25 दिन। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बच्चों कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक छोटा सा पार्ट ये है कि बेसिक है, ए किसी काम को यदि एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को यदि वाई दिन में करता है और उस काम को दोनों से कराया जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का टोटल, ये ए और बी की कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी। ए किसी काम को एक्स दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को वाई, बी उसी काम को वाई दिन में, ए और बी दोनों से काम कराना है तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का टोटल। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगे। ए को बी की तुलना में 10 दिन समय कम, 10 दिन समय कम ले रहा है ए, 10 दिन कम समय ले रहा है ए, बी ज्यादा समय ले रहा और ए 10 दिन कम ले रहा, और दोनों लोग मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनेगा उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक हम आपको शॉर्ट टिप बताते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दोनों इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर 144। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको जिनका डिफरेंस 10 आ जाए, 18 और 8। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके आप फैक्टर आप तुरंत कर लेंगे। बस आपको याद रखना है जो कंबाइंड वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसका स्क्वायर करना आपको 144 है। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको जिनका अंतर कितना आ रहा, 10 आ रहा। अब हमारे पास में जो वैल्यू आ गई है 18 और 10, उसमें इसी वैल्यू को ऐड करना है। आप 18 में 12 ऐड करिए, 18 12 30 आ गया, और 8 में 12 ऐड करिए, 12 8 20 आ गया। आप देख सकते हैं हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक 20 और दूसरी 30 आ गई। अब आप इसमें डिसाइड करिए कि कम समय कौन ले रहा है, ए कम समय ले रहा, बी ज़्यादा समय ले रहा। ए कम समय ले रहा, ये ए की वैल्यू होगी, बी ज़्यादा समय ले रहा, ये बी की वैल्यू होगी, और आप देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन का आंसर ये आ गया 30। सुना है कितना आसान ट्रिक है ये, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा और या फिर जो है क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ये वैल्यू हमारी सही है गलत इस बात की चेक आप इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। ए किसी काम को एक्स डे में, बी उसी काम को वाई डे में, और दोनों से काम कराना है तो दोनों का मल्टीप्लाई और अपान में दोनों का टोटल, 30 और 20 मिलकर होते 50। 0 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए कितना आएगा, 6 6 दुना 12। ये दोनों की कंबाइंड वैल्यू आ गई और यहाँ पर कंबाइंड वैल्यू 12 ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन में जो है, कैसे किया हमने 12 12 के स्क्वायर 144 हो गया, और 144 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 आ जाए। ऐसा करने के बाद में अच्छा अंतर 10, यहाँ पर जो वैल्यू है ये 10, यही इन दोनों का अंतर भी होना चाहिए। हम एक क्वेश्चन और करके आपको दिखा रहे, भी यहाँ पर जो वैल्यू है वही इसका डिफरेंस होना चाहिए। आप इन दोनों में ये 12 ऐड कर देंगे, 18 12 30 8 12 20, ये जो वैल्यू आ गई। आप क्वेश्चन को पढ़कर ठीक से देख लेंगे कि कौन कम है, इसमें ए कम है तो ये होगा, बी ज़्यादा है तो ये हो जाएगा,
इसी सीरीज में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं वर्क एंड टाइम का जो है। हमने इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और भी लिया है आपको जो है, किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक समय लेता है। उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया हो, क्यू अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन को एक बार पढ़ा। अब ये 6 घंटे का टाइम देखिए, मिलकर कार्य करने का समय, 6 घंटे का जो समय है बच्चों, मिलकर कार्य करने का समय, यानी P और Q की जो वैल्यू दे रखी है 6 घंटे दे रखी है। और स्टार्टिंग में ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान से देखिए, Q की तुलना में P, Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक, यानी P 5 घंटे ज़्यादा समय ले रहा, P 5 घंटे ज़्यादा समय ले रहा, P 5 घंटे ज़्यादा समय ले रहा, यानी P धीमा है और Q तेज है, ये भी कह सकते हैं आप। अभी भी हमने प्रोसेस जो डिस्कस किया है, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में इसका स्क्वायर करिए, 36 आया, 6 का स्क्वायर 36, इसके ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर ये आ जाए, तो 9 और 4, 9 चौको 36, दोनों का डिफरेंस कितना, 5। मैंने बताया ना यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आप निश्चित रूप से कर लेंगे, बहुत बड़ी पटी वैल्यू नहीं आती, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो 9 चौको 36, अब जो वैल्यू आ गई है इसमें आप ये 6 ऐड करिए, इसमें 6 ऐड करिए, तो 9 6 15 और 6 और 4 10, और ये लीजिए दोनों आंसर आ गए। अब आप इसमें देख सकते हैं धीमा कौन है, पी, ये 15 घंटे, और तेज कौन है, क्यू, 10 घंटे। जो धीमा है वो समय ज़्यादा लेगा और जो तेज है समय कम लेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा क्यू अकेला, क्यू के बारे में पूछ रहा, 10 घंटे आएगा, सो इसका आंसर 10 घंटे। तो निश्चित रूप से दो क्वेश्चन करने के बाद में आपको इस क्वेश्चन का तरीका और प्रोसेस ये समझ आया होगा, नोट करिए इसको। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा वर्क एंड टाइम में क्या रूल इम्पोर्टेंट है। ए और बी किसी काम को मिलकर टी समय में कर सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे लिख भी दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, एक ऐसा रूल है जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में टी समय लेते हैं, और जो समय इन दोनों की कंबाइंड टाइमिंग का है उस टाइम से ए इतना समय ज्यादा लेता है और बी इतना समय ज्यादा है। कहने का मतलब इसे 10 घंटे समय लिया, 10 से ए कितना ज्यादा है, ए, और इस 10 से कितना ज्यादा है, बी। तो इस टी की वैल्यू कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और अंडर रूट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन क्या बनेगा ये आपको हम बताते हैं, फिर आपके ये रूल्स भी समझ में आ जाएगा। देखिए उसी रूल से मैंने क्वेश्चन लिया है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर करने में जितना समय लेते हैं उस समय से ए 16 घंटे ज़्यादा और बी 4 घंटे ज़्यादा समय लेता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस से करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है ए प्लस बी मिलकर जिस किसी काम को जितने समय लेते हैं, मान लेते हैं टी, और इस समय से ए कितना समय ज्यादा ले रहा, 4 घंटे, 16 घंटे ज्यादा ले रहा, और बी कितने घंटे ज्यादा समय ले रहा इसी समय से, 4 घंटे। तो इसके पहले वाले रूल में अभी हमने डिस्कस किया था, इस टी की वैल्यू निकालना आसान है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो टी की वैल्यू 8 आ गई और ये इसका आंसर आ गया, यानी
ए और बी मिलकर उस कार को कितने समय में कर सकते हैं? 8 घंटे। देखो कितना सिंपल है ये। सो अब से हम डेली एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। कल के टाइम में हम मेंसुरेशन के एरिया क्षेत्रफल से संबंधित जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे।